क्लाउनफिश हमेशा से ही एनिमल लवर्स के लिए एक पसंद रही है, लेकिन फाइंडिंग निमो फिल्म आने के बाद यह अचानक से काफी सुर्खियों में आई। वैज्ञानिकों ने जब इस मछली पर शोध किया तब वह चकित रह गए, क्योंकि इस मछली के एनिमोन जैसे जहरीले सिम्बायोट के साथ रहना और लिंग परिवर्तित कर नर से मादा बनने जैसे खूबियों ने वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया। आज इस मछली की लगभग 30 प्रजातियों की खोज की जा चुकी है, जो कि प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के गर्म जलधारा में लगभग 12 मीटर की गहराई में रहती है। इस मछली का जीवन चक्र एनिमोन के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में जुड़ा होता है, जिसमें यह एनिमोन के टूटे हुए टेंटिकल्स को खाकर उसे साफ रखती है। बदले में एनिमोन इसे सुरक्षा प्रदान करती है। क्लाउनफिश के बॉडी पर एक चिकना आवरण विकसित होता है, जिस कारण इस पर एनिमोन के जहरीले टेंटिकल्स का असर नहीं होता, जबकि क्लाउनफिश पर जब कोई शिकारी हमला करता है तब वह इसी एनिमोन के टेंटिकल्स में छिप जाती है और शिकारी खुद शिकार हो जाता है। एनिमोन के जहरीले टेंटिकल्स शिकारी को मार देता है, जिससे एनिमोन और क्लाउनफिश दोनों को ही भोजन मिल जाता है। एक क्लाउनफिश के लाइफ साइकिल में एक लार्वा और एडल्ट जैसे स्टेज होते हैं, जिसकी शुरुआत नर और मादा के मिलन से शुरू होती है। क्लाउनफिश इसी एनिमोन के आसपास सुरक्षित स्थान पर अंडे देती है, जहां से वह इन अंडों की देखरेख कर सके। मिलन के बाद मादा लगभग 100 से लेकर 1500 तक अंडे देती है, जो कि उसके आकार पर निर्भर करता है। इन अंडों से लार्वा निकलने में अब 6 से लेकर 8 दिनों का समय लग जाता है, जिस दौरान नर द्वारा इसकी देखरेख की जाती है और समय समय पर इन अंडों को हवा देकर ऑक्सीजन दिया जाता है। क्लाउनफिश के लार्वा को फ्राई कहा जाता है, जो कि बिल्कुल ही पारदर्शी होते हैं। इनके आंख और शरीर के अंदर के विभिन्न अंगों को साफ देखा जा सकता है। यह छोटे फ्राई प्लैंकटॉन्स का शिकार कर भोजन प्राप्त करते हैं और समय के साथ साथ बड़े होते हैं। लगभग 18 से 25 दिनों में यह एडल्ट होते हैं और अपने वास्तविक रंग को प्राप्त करते हैं, जिस चटक रंग के कारण क्लाउनफिश जानी जाती है। एडल्ट बनने के बाद क्लाउनफिश अपने लिए भी उपयुक्त एनिमोन की तलाश शुरू कर देती है, जहां वह अपने जीवन को व्यतीत करेगी, नए साथी की तलाश करेगी और अंडे देगी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सभी क्लाउनफिश मेल ही पैदा होती है, लेकिन किसी कारणवश फीमेल क्लाउनफिश के न होने पर सबसे बड़ी क्लाउनफिश खुद को फीमेल में बदल कर अंडे देती है और इस जीवन चक्र की प्रक्रिया को बनाए रखती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।